हेलो फ्रेंड्स, मैं मिहिर महंती आपको और एक इंडिया क्लाउड का फ्रेश एपिसोड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप इसको देख के थोड़ा मतलब चौंक रहे होंगे, मुझे लग रहा है कि चौंक रहे होंगे। ये चौंकने का कोई ये नहीं है, ये हमेशा ये हम लोग ये चैनल पे कुछ अतरंगी सा मतलब कुछ नया कुछ अतरंगी सा मतलब स्टाइल पैटर्न का वीडियो हम दिखाते रहते हैं। आज हम जैसे कि आपको देख पा रहे हैं कि पूरा हर तरफ हम लोग का अभी मतलब धान का खेती का टाइम है, अभी धान पकने जा रहा है, तो वही मतलब धान हम लोग अभी आपको कुछ स्पेशल दिखाएंगे। मतलब पहले अगर बोल दूंगा तो आपको थोड़ा मतलब पता चल जाएगा, तो थोड़ा सस्पेंस में रहिए। ठीक है, सस्पेंस थोड़ा ठीक है, तो चलिए आपको कुछ दिखाते हैं। पर हम लोग का जो खेती है, खेती में आपको घुमाऊंगा और वहां पे कुछ अतरंगी सा कुछ आपको देखने मिलेगा। तो चलिए आइए थोड़ा घूमते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप धान देख रहे हैं अभी ये पूरा 100% पका नहीं है, ये अभी इसमें और भी टाइम लगेगा। मुझे लगता है इसमें 5 to 10 days और अभी भी टाइम है पकने का। कहीं कहीं जगह पे पक गया है और कहीं कहीं पका नहीं है। तो हम आज जहाँ पे जाएंगे, हम जहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं, वो पक गया है। उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो देसी स्टाइल जो गाँव का जो स्टाइल होता है, कैसे मतलब धान हम लोग को मतलब उसको लाते हैं, क्या करते हैं, पूरा देसी स्टाइल, पूरा रूरल एरिया का स्टाइल आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, आइए। मेरे साथ में और भी एक स्पेशल लोग हैं, उनको भी मैं दिखाऊंगा। थोड़ा सा सबर कीजिए। ये फ्रेंड्स हमारा स्पेशल आदमी, आज हमारा ये गेस्ट है। इनको आज हम खटाएंगे खेती पे, इनको आज रगड़ाएंगे, जैसे हिंदी में बोला जाता है रगड़ाएंगे, उनको आज रगड़ाएंगे। ये कभी खेती देखे नहीं है, शहर में ज्यादा रहते हैं और भी गांव आए हैं, तो खेत में इनको रगड़ाएंगे कैसे काम होता है, क्या होता है इनको थोड़ा। आज तो मतलब जैसे हम लोग का गाँव का है, आपको पता है हम लोग फार्मर मतलब हम लोग का जो पूर्वज थे उन लोग फार्मर ही थे, तो इसलिए हम लोग का पूर्वज मतलब पहले से ही खेती फेती होता है, तो हम लोग तो ज़्यादातर खेती में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। फिर भी आज ये आए हैं, ये बाहर में रहते हैं। स्पेशली आपको भी पता है, मेरा अगर पुराना वीडियो आप देखे होंगे, मैं भी बाहर में रहता हूँ, मैं भी आज गाँव आया हूँ। तो गाँव जब आया हूँ तो खेती जो तो पुराना हम लोग का काम है। वैसे मैं चल चल के थक भी जाता हूँ। अरे ये थकता नहीं क्या? अरे क्या थकता नहीं क्या? अरे हम तो थक जा रहे हैं। चलिए काम तो आज करेंगे कुछ, तो अतरंगी साहब को तो दिखाएंगे, तो आज करेंगे। चलते चले देखते हैं किसमें कितना दम है, सामने वाले में ज्यादा दम है कि मेरे में ज्यादा दम है, देखते हैं आज क्या होता है। चलिए चलिए चलो 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 भाई, भागो रे भागो भागो। सीधे सीधे चलो सीधे चलो। अरे हमारा रास्ता भूल गया रे भाई साहब, ये रास्ता भूल जा रहा है, रास्ता भूल गया रे।
हाँ चलते रहो, वही तो लग रहा है रास्ता है, चलते रहो। अरे ये रास्ता है कि साइड वाला रास्ता है? चलो कोई भी रास्ते में जाना चाहिए, बहुत दिन के बाद हम खेती में जा रहे हैं आज। लगभग मुझे लग रहा है समीर ये आई थिंक हम लोग 10 ईयर के बाद जा रहे हैं ना, 10 साल हो गया, अरे 10 साल हो गया, पूरा 10 साल। 10 साल के बाद हम लोग खेती में जा रहे हैं, अभी हम तो बाहर में रहते हैं, आप लोग को जैसे पता है जॉब करते हैं बाहर में, तो वैसे 10 साल के बाद खेती में जा रहे हैं। इसका एक्साइटमेंट थोड़ा अलग है, क्या है? हाउ द जोश यार। यस सर। यस, इसका भी जोश हाई है, मेरे भी जोश हाई है। चले देखते हैं आज क्या होता है, अनुका कुछ होता है। चलो सीधे चलते रहो। अरे भूल गया क्या, गूगल मैप में देख लो। अरे गूगल मैप में हम लोग का खेती दिखाता है, ऐसा कोई बात नहीं, गूगल भी अभी रूरल एरिया में अच्छा एक्टिव हो गया रे भाई। कितने वजन है? वजन बहुत है। हाँ तो जोश जोश हाय पूरा हाय। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो चलो। अभी हमारा आगे जो लेके गए थे हमारा समीर साहब आगे, अभी उनको पूछते हैं कैसा जोश रहा लेके गए थे, कैसा जोश रहा? जोश तो पूरा हाई है, आपका जोश कितना बोलिए? अरे हम पूरा फुल जोश में। अरे फार्मर का बेटा है रे भाई, क्या टेंशन है, हम लोग का पूर्वज फार्मर था, अरे हम लोग ये छोटा सा काम नहीं कर पाएंगे। अरे ये वो अभी कितना वजन होगा? वजन तो बहुत है लेकिन ये हम लोग के लिए कुछ नहीं है, वजन बहुत है, बहुत हैवी वेट है, वर तो हैवी है लेकिन ये हम लोग के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग ये पहले से ही किए हैं, हालांकि 10 साल पहले किए हैं, अभी कर रहे हैं, लेकिन किए तो है ना, अरे अभी तो किए हो ना 10 साल पहले। हाँ हालांकि 10 साल हो गया हम लोग जॉब में थे, नहीं कर पा रहे थे, अभी आए गाँव इसका भी थोड़ा मजा लेते हैं, जैसे ही देखना मतलब लेके जा रहे हैं, फिर भी मतलब बात बोल लेना, इसमें थोड़ा थकान सा महसूस हो रहा है क्योंकि वजन है ना के साथ बात करने के लिए थोड़ा ये होता है, फिर भी जोश बहुत हाई है आराम से। ये अरे फार्मर का बेटा है, पूर्वज फार्मर थे, थोड़ी ऐसे हार मान लेंगे भाई। हाँ ठीक है, अभी
अब इसको क्या करना है, आपको आधा लेके जाओ भाई। ठीक है ठीक है, आप आधा लेके जाओ, फिर मैं जाता हूँ दूसरे एक लाने के लिए। चलते हैं दोस्तों, हाई फोड़ के रखेंगे आज। फ्रेंड्स, ये जो हमारा खेती है ये लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी में है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, वो भाई साहब ज़्यादा आधे दूर ले जाते हैं और हम आधे दूर ले जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत दूर है, कैमरा भी नहीं आ रहा भाई साहब। और पीछे यहाँ पे रास्ता है, मैं पूरा बीचों बीच में हूँ और अभी चल रहे हैं, मतलब भाई साहब आ रहे हैं लेके, धान लेके आ रहे हैं, उसके पास उनके पास से मैं आधा रास्ता मैं तय करता हूँ और आधा रास्ता वो तय करते हैं। अभी तक तो कैमरा में नहीं आ रहे हैं, बहुत दूर में है। चलते हैं, चल के लाते हैं। देखिए शायद भाई साहब आ रहे हैं वहाँ पे, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितना दूर से आ रहे हैं, ये ला के हमको देंगे और हम लेके पीछे जाएंगे हमारे रास्ते में। देख सकते हैं कितना दूर से आ रहे हैं, आ रहे हैं, देखिए देख रहे हैं कितना दूर से आ रहे हैं। चलिए हम उनके पास चलते हैं, उनके पास से जो वो जो भार लेके आ रहे हैं उनके पास से वो भार हम लेंगे और हम जाएंगे पूरा वहां तक, बहुत दूर। तो चलिए देख रहे हैं वो आ रहे हैं कितना दूर से, और उनको पूछते हैं कैसा लग रहा है। चलिए देखिए भाई साहब आ रहे हैं कहाँ से, देखिए देखिए देखिए, आ जाइए आ जाइए, बहुत काम कर लिए। देखिए एक्चुअली क्या होता नहीं, बहुत दूर है ना खेती, यहाँ पर कोई गाड़ी फाड़ी भी नहीं जाता है, तो हम लोग इसलिए कंधे में उसको बिठा के धान को लेके आते हैं। अभी क्या करें, देखिए आ जाए भाई साहब आ रहे हैं, देखिए देखिए आ रहे हैं, भार कंधे पे लेके आ रहे हैं। भाई साहब कितना वजन है? अरे वजन तो बहुत है, आर्मी का और फार्मर का वजन कुछ नहीं लगता। कैसा लग रहा है अभी? जोश आए, कैसा लग रहा है? अरे हम लोग फार्मर का बेटा, देखिए ये मैं हूँ और ये भाई साहब है और यहाँ पार्टी चल रहा है, पार्टी थकेंगे नहीं, चलो चलते रहो। एक बात बता दो दोस्तों आपको, जो आर्मी होता है ना, आर्मी और किसान, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, मुझे लग रहा है लगभग सेम ही है, और इनका जोश का भी कम नहीं होता है। और हम लोग फार्मर का बेटा है, कैसे जोश कम होगा, जोश कम हो ही नहीं सकता। क्या होता है ना, यहाँ पर अभी गाड़ी फाड़ी कुछ नहीं चल रहा है ना, अभी देखिए खेती में कटा नहीं है, कटा नहीं है ना, तो हमारा पक गया है जी, पहले पक गया है, इसीलिए ठीक है वहाँ से दे दे, हमको दे दीजिए, हम लेके जाते हैं। लीजिए हम और एक लेके आते हैं। चलिए चलता तो वजन तो बहुत है, चलो चलता हूँ। हाँ चलो, मैं और एक लेकर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि देखे आपने, मैं एक ट्रिप देख कर उसको लेके जा रहा है, छोटा भाई समीर लेके जा रहा है, और जैसे आप मतलब पीछे देख पा रहे होंगे, देख पा रहे यही है, तो वो लेके जा रहा है क्योंकि बहुत काफी दूर है, इसीलिए मतलब आधा 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 रास्ता से चेंज करना पड़ता है। आपका जोश जितना भी हाई क्यों ना हो, इसको उठा लेते हैं, आपका जोश जितना भी हाई क्यों ना हो, अगर बहुत दूर से आप लाओगे ना तो आपको दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग मतलब आधा आधा रास्ता लेके गए। वैसे भी 10 साल के बाद ये काम कर रहे हैं, अभी बाहर में हम लोग थे, पहले में बता दें हमको 10 साल के पहले जब कॉलेज पढ़ रहा था तब ये काम हम करते रहते थे, क्योंकि जब समर वैकेशन होता था हम लोग का उड़ीसा में, ये धान कटने का टाइम एक छुट्टी होता है, एक वैकेशन मिलता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक हॉलीडे मतलब ये किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, और हॉलीडे लगभग 1.5 महीने तक रहता है, क्योंकि उसी टाइम सब जो धान फान काटने में व्यस्त रहते हैं। पहले आपको बता दूं, पहले इतना मशीन फसीन नहीं था, जब हम लोग का मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, जब पढ़ाई कर रहा था, बीच बीच में आ रहा था घर पे, जब खेती में जाता था, काम करता था पिताजी का हाथ बटाने के लिए, तो उसी टाइम कोई मशीन नहीं था,
तो उस टाइम सब खुद हाथ से ही करना पड़ता था, काटना आपको लेके कंधे पे लेके, जैसे हम अभी लेके जा रहे हैं उसी टाइप का कंधे पे लेके हमको जाना पड़ता था सबको। तो अब जमाना बदल गया है, साइंस डेवलप हो गया है, अब मशीनें आ गया है, फिर भी हम लोग का क्या ना, जो धान है वो थोड़ा जल्दी पक गया है, क्योंकि हम लोग जो धान जब ये करते हैं ना, जब लगाते हैं धान, तो उसी टाइम हम लोग थोड़ा जल्दी लगा दिए थे, इसलिए हम लोग का थोड़ा जल्दी पक गया है। बाकी जैसे मेरे पीछे आप देख रहे कि मतलब किस किस का पका हुआ है, किस किस का नहीं पका, ये देखिए ये जैसे 100% नहीं पका हुआ है, तो जिसका पक गया है वो अभी धीरे धीरे काट रहा है। बाकी मतलब जब ये सब पक जाएगा तो मशीन आएगा, शुरू से काट काट के पूरा एकदम ख़त्म करके जाएगा। तो अभी लगभग तो शाम होने को आ रहा है, अभी थोड़ा बहुत शाम मतलब अंधेरा थोड़ा बहुत हो रहा है, जैसे आपको देख पा रहे होंगे, आप वीडियो में नज़र आ रहा होगा पीछे, जैसे जैसे सूरज देख रहे हैं, सूरज पीछे मतलब डूबने को जा रहे हैं। तो उसी तरह मैं भी जा रहा हूँ और एक ट्रिप लेके आऊँगा, ठीक है, और वो ट्रिप ख़त्म करने के बाद आपके साथ फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं दूसरा ट्रिप उसको दे दिया, अभी लगभग शाम होने को जा रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं शाम होने को जा रहा है। तो मेरा और एक ट्रिप बच गया है, और एक सिंगल ट्रिप बचा है, और एक सिंगल ट्रिप, वो सिंगल ट्रिप को मैं लेके आऊँगा उसके बाद, और आज के लिए जो तूफानी जो है आज के लिए, वो आज के लिए तूफानी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो दबा दीजिए लाइक, और पास में सब्सक्राइब बटन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ऐसे अतरंगी ऐसे तूफानी टाइप का वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए उतना ही, आज के लिए हमको दीजिए इजाज़त, चलते हैं, मिलते हैं फिर और एक ब्लॉग में और एक तूफानी सा वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।